भी हैं, लेकिन गुर्जर आरक्षण के लिए ट्रैक पर अभी भी बने हुए हैं। और इसी बीच सूबे के मुखिया यानी कि अशोक गहलोत उनसे गांधीवादी तरीके और शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। अशोक गहलोत बार बार यही कह रहे हैं कि गुर्जर आरक्षण को लेकर अब राज्य सरकार के स्तर पर कोई काम नहीं बचा। वहीं गुर्जर समाज भी जानता है कि गहलोत सरकार ने पिछली बार भी उनकी मांगों पर गंभीरता दिखाई थी। साथ ही अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे को लेकर बातचीत में गुर्जर समाज का साथ देने का भी वादा किया है। इसके अलावा ट्रैक बंद होने से आम जन को नुकसान हो रहा है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदना दिखाई है, गंभीरता जताई है। साथ ही शांति बनाए रखने की अपील की है ताकि आम जन परेशान ना हो। शांति और अहिंसा ये केवल दो शब्द नहीं बल्कि सबसे बड़े हथियार हैं, जिन्होंने अंग्रेजों तक को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और इन दो हथियारों का सबसे बड़ा ज्ञानी और इसे सबसे अच्छे से जो चलाना जानते थे वो थे महात्मा गांधी। और उन्हीं गांधी जी के सबसे बड़े फॉलोवर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण है कि उन्होंने न केवल गांधीवादी विचारों को आत्मसात किया है बल्कि अपनी टीम को गांधी जी के आदर्शों पर चलाया है। अशोक गहलोत बचपन से ही महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित रहे हैं। अब जब राजस्थान में गुर्जर समाज आरक्षण के लिए आंदोलन पर है, तो राजस्थान के गांधी यानी अशोक गहलोत ने गुर्जर समाज से शांति की अपील की है। गहलोत ने कहा है कि जब बैंसला जी खुद शांति की अपील कर रहे हैं और सरकार भी पूरी मदद के लिए तैयार है तो फिर किस बात की कमी है। पहले भी 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। जो सरकार कर सकती थी वो किया। इसका फायदा भी गुर्जर समाज को मिल रहा है। गुर्जर आंदोलन के सरकार तैयार है पूरी पहले भी 5 साल हमने कोई कमी नहीं रखी और बकायदा डायलॉग रखे, जो कर सकते थे हमने किया, उसका फायदा भी आज गुर्जर समाज को मिल रहा है। अशोक गहलोत ने गुर्जर समाज से अपील करते हुए कहा, पिछली बार भी कांग्रेस सरकार ने ही 1% आरक्षण का फैसला लिया था क्योंकि जो सरकार के हाथ में था वो पूरा किया गया। यहां तक कि 5% की मांग को भी पूरा कर दिया गया लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब आरक्षण को लेकर जो फैसला होना है वो केंद्र के स्तर पर ही होना है। पूरा गुर्जर समाज जानता है कि मेरे वक्त में जब मैं मुख्यमंत्री था पिछली बार जब ने फैसला किया 1% का, उसके कारण सैकड़ों जो है टीचर हो चाहे अन्य सर्विसेज हो पुलिस सर्विसेज हो सब जगह बहुत बड़े रूप से फायदा मिला। हमारे हाथ में था वो हमने कर दिया।
पांच परसेंट की मांग है वो तो हमने पूरी कर दी, हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। पिछली गवर्नमेंट जो बीजेपी की थी उन्होंने कानून पास किया, असेंबली के अंदर नोटिफाई किया, मंजूर नहीं पाया। अब तो खाली केंद्र के सामने आपके लेफ्ट में राइट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में शांति की अपील करते हुए कहा कि गुर्जरों के ट्रैक पर बैठने से ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं। और डाइवर्ट हो रही है जिससे देश और प्रदेश को नुकसान हो रहा है तो बेकसूर लोगों को तकलीफ हो रही है। जिसे बैसला जी और साथियों को जानना चाहिए कि आम जन को कोई नुकसान या कोई तकलीफ ना हो। हम चाहेंगे राजस्थान शांति स्थापित है, शांति सद्भाव रहे। आज ये ट्रेनें जो है कैंसिल हो गई है, डाइवर्ट हो रही है, तो नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान देश को हो रहा है, तो इकोनॉमी को हो रहा है, आपके राय में यात्रियों को तकलीफ हो रही है। उस तकलीफ को भी बैसला जी को उनके साथियों को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने गुर्जर समाज से अपील की है कि धरना देने से कोई फायदा नहीं है। बल्कि समाज को धरने से उठकर केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए और सरकार भी इसके लिए उनका साथ देगी। धरना देने से क्या क्या फायदा बता दीजिए, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि आप धरने से उठो, सरकार से वार्ता करो और सरकार के स्तर पर जो भी होगा संभव, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ तो कमी नहीं आएगी। अब राजस्थान का गांधी और सूबे का मुखिया ही जब गुर्जर समाज से शांति की अपील कर रहा है तो उम्मीद भी यही की जानी चाहिए कि राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के दौरान कोई बवाल और कोई हंगामा नहीं करेंगे। साथ ही बात के लिए भी कदम आगे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि बात होगी तभी तो बात बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवनारायण जयंती पर प्रदेश को शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज हित में काम से पूजे जाते हैं लोक देवता। भगवान देवनारायण ने भी संदेश यही दिया था कि दीन दुखियों के मदद के साथ भाईचारे का संदेश उन्होंने दिया था, लोग से भी उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। देश की राजनीति की नई राइजिंग स्टार यानी प्रियंका गांधी ने लखनऊ में रोड शो के साथ सियासी डेब्यू किया। इस दौरान खुद राहुल गांधी उनके साथ मौजूद रहे। 12 किलोमीटर के इस रोड शो के दौरान प्रियंका के स्वागत के लिए सड़कों पर मानो पूरा लखनऊ उतर आया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सियासी डेब्यू से ठीक पहले सोशल मीडिया पर भी एंट्री की, और ये एंट्री भी धमाकेदार रही। इसमें खास बात ये रही कि उन्होंने अपने जादूगर अंकल यानी अशोक गहलोत को भी फॉलो किया। इसे साफ पता चलता है कि प्रियंका गांधी सियासत में अशोक गहलोत के एक्सपीरियंस को कितना मानती है। वो जानती है कि अगर राजनीति में सफल होना है तो अशोक गहलोत से सीखने के लिए उन्हें काफी कुछ मिलेगा। वो जानती है कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस को किन ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब जब ये जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को मिली है तो वो अशोक गहलोत से सियासी जादू जरूर सीखना चाहिए। ये रिपोर्ट। प्रियंका की धमाकेदार एंट्री, ट्विटर की चिड़िया संग प्रियंका का धमाका। प्रियंका के फॉलोअर्स की रॉकेट रफ्तार। ट्विटर पर आई प्रियंका, छाई प्रियंका। ट्विटर पर दिखा प्रियंका का प्रेम। आई फॉलो जादूगर अंकल।
सियासत को डिस्टेंस एजुकेशन की स्टाइल में पर्दे के पीछे से रेगुलर करने वाली प्रियंका जब रेगुलर अंदाज में सियासी एंट्री करती दिखाई। तो लखनऊ की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक पर प्रियंका ही प्रियंका छाई रही। औपचारिक शुरुआत के साथ जिस अंदाज में प्रियंका ने हुंकार भरी, बता दिया कि ये तो सिर्फ सियासी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है जिसको सियासी जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक पर लड़ा जाए। प्रियंका जिस अंदाज में ट्विटर पर आई, बिना कुछ ट्वीट किए ही छा गई। महज चंद मिनटों में प्रियंका के ट्विटर अकाउंट को 74,000 से ज्यादा लोगों ने फॉलो कर लिया। यानी रॉकेट की रफ्तार से प्रियंका को फॉलो करने वालों की मानो सुनामी आ गई। लेकिन जरूरी बात यह है कि प्रियंका ने किसको फॉलो किया। प्रियंका ने सबसे पहले राहुल गांधी को फॉलो किया। फिर प्रियंका ने अपने जादूगर अंकल यानी गहलोत को फॉलो किया। इसके अलावा कांग्रेस के भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अहमद पटेल और सचिन पायलट को भी फॉलो किया। यानी जिन 7 ट्विटर अकाउंट को प्रियंका फॉलो करती है उनमें से एक महत्वपूर्ण ट्विटर अकाउंट है प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। यानी ना तो पुराने दिग्गज कांग्रेसी नेता, ना ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रियंका जिनको फॉलो करती है वो कांग्रेस के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। वैसे भी प्रियंका का जादूगर अंकल के प्रति प्रेम बहुत पुराना है और प्रियंका भी जानती है कि अगर उत्तर भारत में कांग्रेस को मजबूत करना है तो फिर जादूगर अंकल के सियासी जादू की जरूरत पड़ेगी। राजस्थान में भी मिशन 25 की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कंधों पर कांग्रेस ने डाल रखी। प्रियंका पर चला जादूगर अंकल का जादू, प्रियंका भी मानती है अशोक गहलोत का सियासी जादू। प्रियंका ने बतौर मुख्यमंत्री सिर्फ अशोक गहलोत को ही फॉलो किया। प्रियंका का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फॉलो करना बताता है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद कितना बड़ा है। राहुल और प्रियंका गांधी के लिए अशोक गहलोत की अहमियत कितनी बड़ी है और बचपन के जादूगर अंकल अब भी सियासी जादूगर हैं और दोनों ही जादूगर अंकल से सियासी जादूगरी की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वहीं मिशन 25 को फतह करने के लिए अशोक गहलोत लगातार जुटे हुए हैं। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर जयपुर में 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। बाड़ा पदमपुरा में आयोजित शक्ति प्रोजेक्ट प्रशिक्षण शिविर में सीएम अशोक गहलोत का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं अशोक गहलोत ने जैन मंदिर में भी दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना भी की। वहीं शिविर में पहुंचने पर अशोक गहलोत ने नियमानुसार अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया। इसके अलावा भूकंप जैसी आपदा और अन्य हालात से निपटने के लिए जयपुर के भवानी निकेतन मैदान में संयुक्त आपदा राहत अभ्यास 2019 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, तो वहीं सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल चेरिश मैथसन विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने आपदा राहत में काम आने वाले उपकरणों का जायजा लिया और अधिकारियों से बातचीत भी की। कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ने हालात से निपटने का तरीका बताया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जमीन पर किस तरीके से सक्रिय नजर आए ये हमने आपको बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर आज क्या कुछ पोस्ट किया है, क्या कुछ ट्वीट किया है, शुरुआत करते हैं ट्विटर से। ट्विटर पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जब अकाउंट पर जाते हैं तो
देखते हैं कि लगभग आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का यूपी के अंदर जो आज रोड शो था उसको लेकर लगातार ट्वीट यहां पर किए गए, और इसके अलावा जो सप्त शक्ति परीक्षण की जानकारी हमने आपको दी थी वो खबर भी यहां पर, इसके अलावा गुर्जर आंदोलन को लेकर ये वीडियो यहां पर शेयर किया गया, फोटो यहां पर शेयर किया गया है, उसके नीचे वीडियो भी है जिसको 1300 लोगों ने लाइक किया है, 298 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है और इसको 1480 लोगों ने अभी तक वीडियो को देखा है। उससे नीचे जब हम आते हैं तो राहुल गांधी, राज बब्बर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका गांधी, आज यूपी के अंदर जो रोड शो था उसका लिंक यहां पर शेयर किया जाता है, और उसके नीचे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बाड़ा पदमपुर में आयोजित शक्ति परीक्षण शिविर की फोटो यहां पर ट्वीट की गई है जिसको 789 लोगों ने लाइक किया, 161 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है। फेसबुक जरा खंगाल लेते हैं, फेसबुक पर आज क्या कुछ खास रहा, क्योंकि लगभग जो ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट होते हैं वही फेसबुक पर भी प्रतिक्रियाएं नजर आती है, और ये जरा देखिए सबसे ऊपर संयुक्त आपदा राहत अभ्यास 2019 ये फोटो यहां पर शेयर किया गया है जिन पर 151 कमेंट आए और 286 लोगों ने इसको शेयर किया है। उसके नीचे लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, ये हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर है, इसके बाद से हर विधानसभा स्तर पर लगेंगे और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग यहां पर दी जाएगी। वीडियो यहां पर शेयर किया गया है, 19,000 लोगों ने इसको अभी तक देख लिया है, 495 लोगों ने शेयर किया है, 284 लोगों ने इस पर कमेंट भी यहां पर किए हैं। इससे नीचे जब हम जाते हैं फेसबुक वॉल पर तो लगभग आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने यूपी में रोड शो किया है उसके पोस्ट हमें नजर आते हैं। आरसीबी लाइंस में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते